जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। समय समय पर मैं आपको व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में जिक्र करता रहता हूँ। आज का जो मेरा बिंदु है वो नाग पंचमी। क्या है नाग पंचमी, क्यों मनाते हैं नाग पंचमी, क्या है इसके इतिहास, कब से आरंभ हुई नाग पंचमी मनाना, क्या फल है इसका, क्या विशेष कार्य नाग पंचमी के दिन हमें करना चाहिए और इन सब कार्य करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है, इसको बोलते हैं नाग पंचमी। पहले मैं आपको इस बात का एक स्पष्टीकरण कर देता हूँ। अधिकांशतः सनातन धर्मी भारत के विविध प्रांतों में नाग पंचमी ये श्रावण शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है, किंतु मरुस्थल प्रदेश और बंगाल आदि कुछ प्रांतों में कृष्ण पक्ष में भी मनाते हैं। दोनों का मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। सन 2022 संबत 2079 साके 1944 का जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें अपने प्राचीन मत के अनुसार जो सर्वमान्य है वो नागपंचमी 2 अगस्त 1922 मंगलवार के दिन प्रवेश करेगी, यानी उस दिन पर्व मनाया जाएगा। और हमारे कुछ प्रांतों की मान्यता और धारणा के अनुसार जो कि 18 जुलाई 2022 ये आपकी श्रावण कृष्णा पंचमी को भी मनाई गई थी, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। अब क्यों मनाते हैं, इसके पीछे तीन मैं आपको पौराणिक, वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल तीनों ही कारण बता रहा हूँ। सबसे पहले कि नाग का स्थान कहाँ गया है, कहाँ होता है नाग का स्थान, दो जगह है। एक नाग का स्थान होता है शेष नाग, जो हमारी पूरी धरा मंडल को धारण किए हुए हैं, जहाँ पर अपना भगवान श्री विष्णु जिस पर शयन करते हैं। ऐसे शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगम। अब नाग का देव कितना संबंध है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सैया बनाया हुआ है, पृथ्वी ने अपना आधार बनाया हुआ है और भगवान भोलेनाथ ने नागों को अपने गले का हार बनाए हुए, शोभा बनाई हुई है। जब हम इनको वैज्ञानिक तथ्यों से एक परिमार्जित करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि संकट को टालने की ताकत नाग में होती है और संकट का रूप भी नाग को ही माना जाता है। कहते हैं हमने बड़ा ही एक संकट गले में पाल लिया है, मेरे भोलेनाथ तो हमेशा ही नाग को ही पाल के रखते हैं, संकट हमेशा ही पाल के रखा है। तो हमें नाग पूजा से अर्थ ये होता है कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे व्यापार आदि के व्यवहार में यदि कोई संकट है तो नाग पूजा से दूर होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा, इसको विजय का प्रतीक भी मानते हैं। कहा जाता है हमारे अनेक पुराणों में और गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल को निष्कंटक बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, उनके बारे में समय समय पर मैं आपको जिक्र करता रहता हूँ। उसमें वृंदावन के निकट काली देह नामक स्थान पर कालिया नाग रहते थे। मेरे ठाकुर नहीं चाहते थे कि ये कालिया यहाँ पर रहे, क्योंकि उनके विष के प्रभाव से वो काफ़ी दूरी तक का वहाँ का जल विषुक्त था, विषयुक्त था और विषाक्त जल होने से पशु पक्षी जो भी पानी पीता था उस क्षेत्र में वो मर जाते थे। कई बार हमारी गौधन जो सबसे प्रधान धन माना जाता था उस जमे का, वो गौधन को भी हानि होती थी। मेरे लाला कन्हैया ने गेंद खेलने का नाटक करके और काली देह में प्रवेश किया और काली देह में प्रवेश कर नाग पर विजय प्राप्त की, यानी संकटों पर विजय प्राप्त की। वो दिन श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पंचमी के नाम से जाना जाने लगा। कुछ पौराणिक और गरुण पुराण इत्यादि की मान्यता यह भी है कि इसी दिन पूरी धरा मंडल को शेष नाग ने अपने सिर पर धारण किया, तो जिम्मेदारियां हम समय पर निर्वाह करते रहे, ये भी प्रतीक है। हम बुराई को दूर करके अच्छाई की तरफ बढ़ते रहे, ये भी इसका प्रतीक है। संकटों से हम डरे नहीं, डट के सामना करें और उन पर विजय प्राप्त करें, ये भी इसका एक अर्थ होता है। मैं चाहता हूँ इतनी ज्ञान की वार्ता हर घर घर तक पहुँचे, हर जन जन तक पहुँचे
और इन छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी बनाएं, उत्साहित जीवन बनाएं, व्याधियों से मुक्ति पाएं और जीवन में खुशियां मनाएं। इन सब चीज़ों के पीछे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बंधु बांधवों में ज़रूर ये पोस्ट करें, भेजें और वे लाइक ऑन दबाएँ। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। जय श्री कृष्ण। लिखना आपके लिए, लिखने में भी कल्याण है, पढ़ने वालों का भी कल्याण है और हमें भी उत्साह का वर्धन होता है, वो अवश्य करें। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि क्या करना है नागपंचमी के दिन। काल सर्फ नाम का एक ज्योतिष में बड़ा ही प्रचंड योग होता है। यद्यपि काल सर्फ योग वाले व्यक्ति बड़े धनाढ्य संपन्न भी पाए जाते हैं और कुछ संघर्षशील भी पाए जाते हैं, इस पर मैंने आपको पहले से जिक्र किया है, शीघ्र ही अगले वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ। तो जिन बंधु बांधवों के और काल सर्प योग है वो उस दिन निवारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। अपने नाग को दूध पिलाने की परंपरा, उनके नाम का दूध किसी निर्जन स्थान पर या पीपल के पेड़ की जड़ों में रखने से हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर होते हैं। उस दूध में पतासा डालें और मिट्टी के पात्र में किसी पेड़ के नीचे नाग देवता के नाम या नाग की बामी के पार रख के आ जाएं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें तो उसे भाग्य की वृद्धि होती है, संकटों से मुक्ति मिलती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है, धन धान्य की समृद्धि होती है, सफलता हमें सहज में ही प्राप्त होती है। और तो और यद्यपि ये कंट्रोवर्सी चीज़ें, फिर भी मैं स्पष्टीकरण करता हूँ कि वन्य जीवों को बंधन में रखना एक कानूनी अपराध है। हमारे शास्त्र रीति से भी उनको हम अपराध की श्रेणी में ही मानते हैं। कदाचित यदि कोई सांप सपेरा या कोई आपको बंधन वाला सांप मिल जाए तो उस दिन कितनी भी कीमत आपको देनी पड़े, उस सांप को यदि बंधन वाले सांप को मुक्त कर देते हैं, सांप को दूर जंगल में ले जाके छोड़वा देते हैं और ऐसे जंगल में छोड़ें ताकि उनको वापस सपेरे या कालबेले दोबारा पुनः ना प्राप्त करें, तो आपके जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति सहज में ही प्राप्त होती है। ऐसी है नागपंचमी हमें अचूक फल देने वाली, ऐसी है नागपंचमी का पर्व हमारे जीवन में व्याधाओं से मुक्ति देने वाली, ऐसी आती है नागपंचमी हमारे जीवन में सफलताओं की बाहर लेने वाली। तो ये पर्व भी है और त्यौहार भी है। इस दिन जरूर हम पर्व और त्यौहार दोनों का समन्वय मानते हुए उत्सव को मनाएं और नाग की पूजा करें। संघर्षों से खेलना सीखें और संघर्षों से डरना बिल्कुल ना सीखें। संघर्षों को हमें पराजित करना है और हमें जीवन में अपने जिस प्रकार से शेषनाग भगवान ने आधार पूरी दुनिया का धारण किया है, तो हम भी अपने परिवार का जिम्मेदारी, अपने समाज की जिम्मेदारी, धर्म की जिम्मेदारी, राष्ट्र की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी जो जो है उनको निर्वाह करने का संकल्प लें। और भगवान कृष्ण जिस प्रकार से बुराइयाँ दूर की, तो मेरे पूज्य गुरुदेव एक बार ये भी कहते थे कि भाई नागपंचमी को नाग की पूजा का अर्थ क्या है कि आपके अंदर शरीर में बसी हुई दुर्वासनाएं, बसी हुई कुछ दुर्भावनाएं, बसी हुई कुछ गलत संगतियां, विसंगतियां या आपके नाना प्रकार के दुर्व्यसन, इनको त्यागने का संकल्प लें, यही नागपंचमी की सर्वोत्तम पूजा होती है। फिर आपके सामने शीघ्र उपस्थित होने वाले कोई अच्छे बिंदु को लेकर, अच्छे पर्व को लेकर के, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।